हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? सत श्री अकाल। होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे हो। तो सबसे पहले आज इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा एक किस्सा है, तो उससे स्टार्ट करेंगे। तो क्योंकि ये एक बात है, हमारे फाउंडर की ही बात है, काफ़ी देर से मेरे साथ में ही हैं, 2018 से हैं फाउंडर मेरे। एंड बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत नॉलेज है उनको, बहुत ही अच्छे और नॉलेजेबल पर्सन है, हर एक चीज़ की नॉलेज है उनको। तो पिछले 3-4 साल से बात करते रहते हैं मुझसे, एंड हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस भी करते हैं ऑन पैसिव के बारे में, क्योंकि वो भी काफ़ी चीज़ों को समझते हैं कि कैसे सारा कुछ होता है, क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, एंड लॉट ऑफ थिंग्स, ये जितना भी सारा कुछ है। बट एक दिमाग उनके अभी तक भी उनके दिमाग में नहीं जा रही, वो हमेशा उनका क्वेश्चन होता है कि बाकी सब कुछ ठीक है, उनको ऑन पैसिव पसंद है, सारा कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, और उनको ये नहीं मालूम चलता कि ये पैसा कैसे आएगा और ये कैसे, मतलब कि ये सारा कुछ होगा। फिर मेरे दिमाग में यही बात है कि हमारे फाउंडर भी कई बार थोड़े ऐसे सवाल कर लेते हैं मुझसे भी, उनको भी मालूम है सारा कुछ ऑन पैसे बन रही है, सब बहुत अच्छा है, बहुत प्रोडक्ट्स बन रहे हैं हमारे, प्रोडक्ट सेल हो, फिर भी कहीं ना कहीं एक प्रोसेस को समझने में एक दिक्कत आ जाती है कई बार, समझदार होने के बावजूद भी। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो मार्केटर नहीं है ना बेसिकली, चाहे वो इंटेलिजेंट ही आदमी है और उसको सब मालूम है, बट अगर मार्केटर नहीं है तो उसको बहुत सारी चीज़ समझने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है कई बार कि मार्केटिंग कैसे होती है, एक चीज़ को मार्केट करके पैसा कैसे कमाया जाता है। और उसके कॉन्टेक्स्ट में हम ये देखेंगे अगर इंटरनेट पे मार्केटिंग करनी है तो वो कैसे पैसा जनरेट करती है। तो ये चीज़ें कड़ियाँ हैं, जोड़नी पड़ती हैं बेसिकली, एक मैसिव मैसिव एक चीज़ है इंटरनेट, तो वहाँ पे कैसे ये चीज़ें जनरेट होती हैं सारा, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी होती है, कैसे कंपनीज कमाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो पढ़े लिखे लोग भी थोड़े जो मार्केटर नहीं है बेसिक, वो समझने में थोड़ा उनको कई बार दिक्कत हो जाती है। तो चलिए थोड़ी सी ये मुझे भी थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि चलो जितनी मुझे नॉलेज है तो मैं शायद दे पाऊँ, आई डोंट नो कि पूरी या नहीं, बट जितनी मेरे में समझ है तो शायद, मैंने कहा चलो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात ये समझने वाली है कि जो ऑन पैसिव बन रही है ना, ये एक नई इकोनॉमी बना रही है, अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक नया मार्केट प्लेस बना रही है, अगर हम इसको और भी थोड़ा आसान कर दें, इकोनॉमी छोड़ के, एक नई मार्केट प्लेस बना रही है जहां पे सारे के सारे लोग आके पार्टिसिपेट कर सके। ओके, कि सब लोग आए और पार्टिसिपेट कर सके और विन कर सके, जीत जीत सके, कि आइए हमारे पास, आइए ये नई मार्केट प्लेस है, आइए और जीतिए। एक ये एक ऑन पैसिव का जो चीज बन रही है वो है। अब जब इसके लिए मिस्टर एश ने 2018 में आके एक मैसेज दिया पब्लिक में, ये कह सकते हैं चाहे वो दो वीडियोस ही थी, तब आके एक मैसेज दिया कि आइए मेरे साथ जो भी लाइक माइंडेड पीपल हैं, ये मैं ऐसे एक मार्केट प्लेस बनाने जा रहा हूँ, एंड जो भी लोग आएंगे एंड वो विन हो जाएंगे मेरे साथ। तो ऐसे ही हम लोग आए, आप लोग आए, हम कूद पड़े बीच में ऑन पैसिव के इस समंदर में, हम लोग कूद पड़े और जीतने के लिए हम सब लोग। तो जो वो मैसेज मिस्टर एश ने दिया था कि यस वी आर विद यू, डेफिनेटली आप बनाइए क्या हो, तो इसीलिए मिस्टर एश ने वो जो स्लोगन है वी आर इन इट टू विन इट, वो यही है, अगर उसको थोड़ा डीपली जाने कि यस वी आर इन इट, अगर हम इसके अंदर हैं तो यस वी आर विनिंग इट, तो वी आर इन इट टू विन इट और वी आर सो इन इट टू विन इट, जो भी हम उसको थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इसके साथ क्या है कि हम लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ओके आपको भी मालूम है, ओके तो प्रोडक्ट बनाने के बाद उसके बाद हम पब्लिक में जाएंगे और पब्लिक को भी अपने साथ एंगेज करेंगे। सिंपल सी भाषा में हम अगर ऑन पैसिव को बिल्कुल इजी रखना चाहते हैं, बिल्कुल समझने वाली एक जो बात है ऑन पैसिव की, कि हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ओके तो प्रोडक्ट जब हमारे अभी बन जाएंगे तो हम पब्लिक में जाएंगे और पब्लिक को भी एंगेज करेंगे टू बाय अवर प्रोडक्ट्स, हम उनको सेल करेंगे, ओके तो वो एंगेज हो जाएंगे हमारे साथ, जैसे हम एज ए फाउंडर एंगेज हुए हैं,
जब मिस्टर एस ने आके जस्ट एक 2018 में कहा कि ऐसा करने वाला हूं, आइए मेरे साथ, तो हम लोग आ गए। ऐसे ही जब हमारे पास प्रोडक्ट होंगे, हम मार्केट में होंगे, ऐश कहेंगे ओके हमारे पास ये प्रोडक्ट है, आइए हमारे साथ एंड लेट्स विन टुगेदर। ओके, तो वो चीज भी हमें साथ में समझनी पड़ेगी। अब इसमें बात एक और आती है कि हमारे प्रोडक्ट को कौन खरीदेगा, ओके, और क्यों खरीदेगा, ये भी एक साथ में बात है। तो चीजें को कड़ी जोड़ते ये समझते जाइए, जितनी मेरी नॉलेज है या जितनी मुझे समझ है तो वही मैं आपको कह रहा हूँ। ओके, कि अब हमारे प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, बेसिकली ये दिखने वाली बात है। ओके, तो सिंपल सी बात है, ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि फुल ऑफ बायर्स, जितने भी ये इंटरनेट, ये दुनिया इंटरनेट की भी अगर बात करें तो सब लोग हमारे प्रोडक्ट खरीदेंगे। ओके, चाहे वो टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, चाहे वो ट्रेडर हैं, फॉरेक्स ट्रेडर, क्रिप्टो, जो भी आप मान लो रियल स्टेट के लोग हैं या कुछ और भी जितने भी प्रोफेशंस हैं, वो लोग हमारे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि हरेक जो भी इंटरनेट भरी पड़ी है एक मार्केट प्लेस, जहां पे हरेक आदमी कुछ एक्स्ट्रा इनकम, कुछ एक्स्ट्रा टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ढूंढ रहा है, ऑलरेडी ढूंढ रहा है वो वहां पे। वो कोई नई बात नहीं है कि हम आए सब शेयर ढूंढने के, वो ऑलरेडी वहां पे डेली सर्च कर रहा है। डेली 5 बिलियन इंटरनेट यूजर कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं, वह कुछ ना कुछ यूज कर रहे हैं इंटरनेट को वहां पे। ओके, तो ऑलरेडी वहां पे बायर्स हैं, वहां पे जहां पे लोग हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, ये बिल्कुल एक 100% जो एक बात है, तो वो खरीदेंगे। एंड क्योंकि ये इंटरनेट इतना बड़ा है कि अगर छोटी सी, अगर जैसे हम मार्केटिंग की बात करते हैं कि कैसे सारा चीजें एक जो चलने वाली हैं वो कैसे चलेंगी, तो आपको शायद सुन के हैरानी होगी कि ये जो साल चल रहा है 500 बिलियन डॉलर की एडवर्टाइजमेंट बेची गई है। अच्छा, 500 बिलियन डॉलर की, ये जो करंट ईयर चल रहा है इसमें 500 बिलियन डॉलर की एडवर्टाइजमेंट जो है वो बेची गई है। ओके, तो इंटरनेट के ऊपर, जो कि इंटरनेट यूजर है, फॉर एग्जांपल 5 मिलियन ही हम लगा ले, बट हमारा जो एक ये कह सकते हैं कि हमारा एक जो मार्केट है, हम वो 5 बिलियन इंटरनेट यूजर से भी आगे निकल के हम लोग 8 बिलियन जो एक टारगेटेड पॉपुलेशन है इस धरती की, तो हमने उसको टारगेट किया है उससे भी आगे जाके। नो मैटर वो अगर इंटरनेट यूज भी नहीं करे, डजेंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हम उस लेवल के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो कि उस पॉपुलेशन को भी अफेक्ट करेगी। तो देखिए विजन अब कितनी बड़ी हो गई है। तो जब इतने बिलियंस ऑफ जो लोग हैं, इतने हमारी जो एक टारगेटेड ऑडियंस बोल रहा हूँ या टारगेटेड यूजर हैं जो हम ये कह सकते हैं, अगर उस लेवल की है तो दैट मीन्स कि हमारे प्रोडक्ट्स इन सब के लिए हैं और हम वैसे ही प्रोडक्ट बना रहे हैं। नाउ आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना बड़ा एक ऑपरेशन है। ओके, तो इंटरनेट की अगर, पहले तो मैंने उसकी बात करी थी कि 500 बिलियन डॉलर की जो एडवर्टाइजमेंट बेची गई है। ओके, नाउ द इंटरनेट की इकोनॉमी ही, जो भी कुछ इंटरनेट की, और वो इट्सेल्फ ही 5 ट्रिलियन डॉलर की है। अब आप सोचो जो इंटरनेट पे चीजें बिक रही हैं या कुछ, वो इट्सेल्फ ही, वो कुछ भी हो रहा है चाहे इंटरनेट की, वो 5 ट्रिलियन डॉलर की पर ईयर की, इस साल की, अगर ये जो करंट चल रहा है इस साल की जो सेल्स कह लो या वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, तो 5 ट्रिलियन डॉलर की है। ओके, तो उस 5 ट्रिलियन डॉलर में हम कैसे बेनिफिट होंगे? ओके, तो ये सबसे जो एक मेन बात है, तो 5 ट्रिलियन डॉलर में अगर हमें बेनिफिट होना है और उस प्रोसेस को हमने मतलब अंडरस्टैंड करना है कि किस लेवल का एक ऑन पैसिव का प्रोसेस है, तो सिंपल है एक और बात। ओके, उस प्रोसेस के थ्रू हमारे डोमेन नेम, हमारे यूनिक डोमेन नेम जो ऑन पैसिव हमारे लिए क्रिएट करने वाली है, वो क्रिएट कर रही है। ओके, यूनिक डोमेन नेम इस 5 ट्रिलियन डॉलर की जो 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 पैसा है या जो कि इंटरनेट के ऊपर है, उसको कैप्चर करने के लिए हमारे
डोमेन नेम्स हमारे खुद के क्रिएट कर रही है और उसके थ्रू हमारी वेबसाइट तैयार करेगी। ओके, और उस वेबसाइट में क्या होगा, कंटेंट होगा। ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट कंटेंट होगा जो कि इंटरनेट को चाहिए, जो लोगों को चाहिए, जो यूजर को चाहिए। वो 5 बिलियन इंटरनेट यूजर को वो कंटेंट अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो वो कंटेंट को क्रिएट किया जाएगा और आपकी ही वेबसाइट आपके डोमेन नेम से उसको टारगेटेड ट्रैफिक के ऊपर और या विजिटर कह लो जो भी आप कह सकते हो, क्योंकि वही पोटेंशियल बायर्स हैं, वही वही लोग जो हैं वो पोटेंशियल बायर्स हैं हमारे प्रोडक्ट के। नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सारा प्रोसेस है बहुत सिंपल है अगर थोड़ा सा दिमाग से हम सोचेंगे। इसको सिंपल रहने दो। ओके, बहुत हमें रॉकेट साइंस में जाने की जरूरत, इसमें सिंपल सी भाषा में आपको समझा रहा हूं कि वहां पे आपके ही आपका ही डोमेन है, आपकी ही वेबसाइट है वो। ओके, उस पे कंटेंट भी सब 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 कुछ क्रिएट किया जाएगा और वो टारगेटेड जो ऑडियंस है, टारगेटेड जो पोटेंशियल बायर्स हैं, ओके, तो उनके पास उनको 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 उनके वहां पे जाएगा। ओके, देन व्हाट हैपेंस, सेल्स जनरेट होंगी। ओके, वो सेल जनरेट होंगी वहां पे। ओके, तो जब सेल जनरेट होगी दैट मींस एप्पल्स जनरेट होंगे। ओके, सो अंडरस्टैंड द होल जो प्रोसेस है, सीधा सा है, बिकॉज ऐसे ही एक रियल बिजनेस काम करता है। ओके, तो हम रियल बिजनेस है, ऑन पैसिव इज ए रियल बिजनेस, तो इंटरनेट के ऊपर ऐसा ही काम करता है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया कि हम बीच में आ गए, हमने करना भी कुछ नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, नथिंग डूइंग, वी आर इन इट टू विन इट, डन डील। व्हाई, बिकॉज ये सारा का सारा प्रोसेस जो भी मैंने आपको बताया, दिस इज ऑटोमेटेड, बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑटोमेशन जो है हमारे साथ काम करने वाली है और हमने कुछ नहीं करना। ओके, ये सारा कुछ जो हम डिस्कस हम कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ ऑटोमेशन में होके यहां तक कि जो सेल्स जनरेट हुई हैं उसको क्लोज करना है, दैट इज ऑल प्रोसेस इज ऑटोमेटेड। ओके, तो उसी सारा कुछ प्रोसेस के लिए हम लोग अभी अभी जो टाइम चल रहा है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सारा एवरीथिंग इज रेडी, सारा कुछ है, तो उस एक मैसिव मैसिव एक लॉन्च की एडवांस में तैयारी चल रही है अब। ओके, तो अगर अगर मैं छोटी सी बात अगर कहूं कि वो जब तैयारी चल रही है इतनी बड़ी, तो जब वो परफेक्ट तैयारी हो गई, तो जब हम मार्केट में उतर आए हैं, तो वो तैयारी इतनी हमारी परफेक्ट चाहिए बेसिकली कि अगर पहले दिन हमारे पास 100 कस्टमर आते हैं या 100 मिलियन आते हैं, ओके, या 500 मिलियन आते हैं पहले दिन वो कस्टमर, तो हमारा सिस्टम तैयार होना चाहिए वो। ओके, चाहे वो 100 के लिए हो, चाहे वो 500 मिलियन के लिए हो, हमारा एक जो जो सिस्टम है हमारा ये सारा ऑन पैसे का, तो वो तैयार होना चाहिए। उसी की वो परफेक्शन वाली जो तैयारी है बैकएंड के ऊपर वो चल रही है। ओके, तो इसलिए हमें ये नहीं कि हमारे पास 100 आ रहा है या हमारे पास 100 मिलियन आ रहा है या 500 मिलियन कस्टमर आ रहा है पहले ही दिन। ओके, हमारे लिए हमारी तैयारी मेन है ताकि उस मैसिव एक जो चीज हम देख पा रहे हैं उसको हम हैंडल कर पाए, तो उसकी ये सारी की सारी जो तैयारी है वो मतलब कि वो बैक एंड के ऊपर चल रही है और हम देख भी रहे हैं, अपडेट्स आ रही हैं, सारा का सारा वो हो रहा है। उसी के सिलसिले में फाउंडर्स बनने भी बंद हुए, उसी तैयारी जो तैयारी का सिलसिला है वो फाउंडर बनने भी जून में बंद हुए। ओके, तो उसी तैयारी का एक हिस्सा है, बिकॉज दिस इज अ टाइम टू सेल अवर प्रोडक्ट ऑन इंटरनेट ऑन अवर मार्केट प्लेस। ओके, ये टाइम उसी का है कि हमने अपने अब टाइम आ गया हमें अपने प्रोडक्ट्स को बेचने का, तो इसीलिए वो सारे प्रोसेस को आप जो शुरू हुआ था फाउंडर बंद होने का, ये भी प्रोसेस का हिस्सा है। अभी जो हो रहा है, अभी अपडेट्स आपके सामने कुछ और आएंगी। ओके, इस हफ्ते अगले हफ्ते आएंगी, तो ये हमें हमारी मार्केट प्लेस को, आई होप कि आप थोड़ा समझ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ये जो इंटरनेट का एक स्पेस है ना, यहाँ पे अगर आप टोटलिटी में देखो बहुत थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ मिलियन लोगों का रोज इंटरनेट के ऊपर सुबह से लेकर शाम तक काम है, सुबह से लेकर फुल टाइम उनका बिजनेस है इंटरनेट वो स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो इस लेवल के लोग, इस लेवल के कस्टमर, इस लेवल के बायर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं ऑलरेडी। ओके, वो कोई नई बात नहीं, मतलब कि है कि पता नहीं कहाँ से आएंगे भी या नहीं आएंगे, नहीं, वो ऑलरेडी वहां पे बैठे हुए हैं।
ओके, तो इंटरनेट इतना बड़ा है एंड एवरीथिंग इज डन फॉर अस, ओके। तो ये सबसे एक बड़ी बात है जो कि हमारे लिए ये करके रखी गई है। और आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आपकी जो वो वेबसाइट है, डोमेन जो ऑन पैसे बना रही है, जस्ट इमेजिन कि वो एक बड़े से समुंदर में से अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर 1 मिलियन कस्टमर कंपनी लेके आती है डाउन द लाइन, जो भी आप कह लो, टाइम फ्रेम तो उसमें नहीं देंगे, मे बी टाइम क्या है, मे बी 1 दिन में, 10 दिन में, 30 दिन में, या 6 महीने में, कुछ भी आप कर सकते हो। तो 1 मिलियन कस्टमर अगर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, क्योंकि इंटरनेट इतना मैसिव है, नो इमेजिन कितनी सेल होने वाली है वो 1 मिलियन कस्टमर्स की, ओके। बहुत बड़ी एक टास्क है ये, एंड वहां पे वो सेल से जो आपको एप्पल्स आने वाले हैं वो दिख ली कितने कितने बड़े होंगे। इसलिए इसको जस्ट सिंपल रखो, पे प्लान क्या है, ये क्या, जस्ट उसको छोड़िए बात को, ये बहुत कुछ बड़ा है, ओके। तो जब जब हम इतना बड़ा एक थिंक बिग वाली एक पोजीशन है हमारी सोच, हम सोचते हैं, तो वहां पे हमने वो सारा कुछ प्लेस किया हुआ है, हमने उसके लिए प्रिपरेशन चल रही है, एक मैसिव टास्क है उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास अपना खुद का इंटरनेट मास्टर ऑफ, ये कह सकते हैं कि मार्केटर, मिस्टर ऐश मुफारे हैं हमारे खुद के, ओके। वो मास्टर मार्केटर है, उनको मालूम है क्या करना है, ये मार्केट प्लेस कैसे बनानी है, ये न्यू इकोनॉमी कैसे करनी है। हमें जस्ट यहाँ पे आना है और जस्ट हमें हमें जस्ट इन इट टू विन इट वाला एक स्लोगन, वो हम यहाँ पे हैं। और मिस्टर ऐश को मालूम है कि अगर लोगों को ये जो 5 मिलियन या 8 बिलियन, सॉरी 5 बिलियन या 8 बिलियन जो 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 यूजर्स हैं, उनको जो प्रोडक्ट देने, वो कौन से देने हैं, वो OMV ओवर द मार्केट वैल्यू वाले जो प्रोडक्ट वो देने हैं उनको, वो एग्जिस्टिंग, ये ऐसे नहीं दे देने की शायद यही दे दें वो शायद खरीद, नो, मिस्टर ऐश को मालूम है कि OMV वाले प्रोडक्ट ही देने हैं, ओवर द मार्केट, जो मार्केट में उससे ओवर जो है वो हमने बना के इन लोगों को देने हैं, इसीलिए वो हमारे पास आएंगे, इधर आएंगे हमारे पास वो चीज को देख के, एक यूनिक चीज को देख के जो कि वो हमारे पास इधर आने वाले हैं। तो ये सारा एक जो प्रोडक्ट लाइन है, उसकी तैयारी, उसका सारा बेसिकली हम हर एक की लाइफ को टच करने वाले हैं ऑन पैसे, 8 बिलियन पॉपुलेशन की लाइफ को हम लोग टच करने वाले हैं, और अल्टीमेटली वी विल बी ओनिंग द इंटरनेट। इतनी बड़ी ये मैसिव मैसिव एक विजन है, और उस जो जब हम बात करते हैं, मिस्टर ऐश करते हैं वी आर ओनिंग द इंटरनेट, तो क्या हम उस इंटरनेट का एक छोटा सा एक पार्ट अपने अपने पास नहीं रख सकते थ्रू अवर डोमेन जो मिस्टर ऐश कर रहे हैं, दिस इज द यूनिक थिंग। तो इतने बड़े मैसिव मैसिव इंटरनेट का एक एक पार्ट का हिस्सा बनने जा रहे हैं थ्रू अवर डोमेन नेम्स, हमारा जो डोमेन नेम है वो इंटरनेट का पार्ट बनने वाला है, तो इसीलिए वो उसका हम छोटा सा एक हिस्सा अपने आप में आएंगे, 14 लाख जो हम लोग हैं, तो वो थ्रू अवर डोमेन नेम्स हम उस एक बड़े से हिस्से का हिस्सा बनने वाले हैं जहां पे उसको ऑटोमेशन में डाला गया है। और सबसे अच्छी बात कि उस डोमेन नेम को अब मोनेटाइज करने का टाइम आ गया है। सी हाउ ब्यूटीफुल ऑन पैसिव इज वर्किंग, जो आपका डोमेन नेम है, ओके, उसको जो मार्केटिंग करना, उसको मोनेटाइज करने का भी टाइम आ गया, पैसा मोनेटाइज, ओके। तो वो सिस्टम को प्लेस किया जा रहा है, प्रिपरेशन चल रही हैं, आपके डोमेन से क्या करना है, कैसे एक मैसिव मैसिव इंटरनेट की एप्लीकेशन में आपको वहां पे प्लेस कर देना है, जैसे एक बहुत बड़ा एक सैटेलाइट होता है, यहाँ जाता है, उसको ऑर्बिट में प्लेस कर दिया जाता है और फिर वो घूमना शुरू करता है। तो ऐसा ही हमारा डोमेन नेम है, एक इंटरनेट के ऊपर एक एक सिस्टम के थ्रू प्लेस कर दिया जाएगा और वो सदा के लिए हमारे लिए हमारा ही डोमेन नेम काम करने वाला है थ्रू ऑटोमेशन, थ्रू ऑन पैसिव, थ्रू अवर मास्टर मार्केटर मिस्टर ऐश मुफारे, जो वो एक सिस्टम को प्लेस कर रहे हैं। जस्ट हमें यहाँ पे अटेंशन एक देनी है अपने कि हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को समझना है, हम सबकी लाइफ को टच करने वाले हैं, एवरीबडी। जस्ट इमेजिन करिए कि अगर अगर आपकी आज ये मान के चलो कि महीने की 10,000 की इनकम है आज जो आप कमा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप 10,000 है, अगर ऑन पैसिव आते ही अगर आपकी वो इनकम ऑन पैसिव डबल करने में हेल्प कर दी आपकी, फॉर एग्जांपल 20,000 रुपया,
कितना अच्छा होने वाला है, क्या कभी किसी ने सोचा है? नौ और देखिए, अगर वो 40,000, अगर वो 80,000, अगर वो 1 लाख, 2 लाख, डबल करने, जो भी आप इनकम कमा रहे हो, कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा था। ओके, तो डाइन डाउन द लेन वो चीज बढ़ती जानी है बेसिकली, वो कम नहीं होनी बेसिकली। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि ऑन पैसिव आ रही है, जो आज आप कमा रहे हो कुछ भी अमाउंट कमा रहे हो, तो उसमें अगर वो ऑन पैसिव आके अपना हिस्सा जस्ट ऑटोमेशन में डालते हैं, क्योंकि आप वी आर इन इट टू विन इट, ओके, आप यहाँ पे आए हो, तो उस पार्ट का अगर हिस्सा बन के आपकी इनकम डबल कर दे आज की डेट में, फिर ट्रिपल कर दे, फिर उसके आगे कर दे, उसके आगे कर दे, क्योंकि सिस्टम प्लेस हुआ और ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है। तो आई होप कि ये थोड़ा सा जस्ट आप समझ चुके होंगे कि कैसा ये सिस्टम है बेसिकली। अगर आई डोंट नो कि वो समझाने में कामयाब हुआ हूँ, कि जस्ट कीप इट सिंपल, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस, हमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कंपनी कर रही है, प्रिपरेशंस कर रही है, एवरीथिंग दे आर डूइंग, ओके, ऑटोमेशन है, डन डील है। तो एक छोटा सा प्रोसेस मैंने आपको समझाया, आई होप कि इट वाज गुड। बट या फिर किसी दिन मिलेंगे किसी और वीडियो में, एंड कुछ और सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए, एंड हैव ए ग्रेट एंजॉयबल लाइफ, एंड कॉस्ट God bless you all. Thank you very much.